गोपी गहरी नींद से जागे। कम से कम गोपी तो जागा ही, बाकी दोनों दोस्त सपने में उसके साथ थे, पर गोपी दिन भर उन्हें अपने साथ मन ही मन रखता था। कभी वो लोग शैतानी करते थे और कभी दूसरों को तंग करके मजा लेते थे। वो लोग खूब मजे करते थे, लेकिन हमेशा बेचारे गोपी को ही सजा मिलती थी। गोपी को आलू वेफर्स, चॉकलेट और कैंडी खाना बहुत अच्छा लगता था, पर दूध पीना उसे पसंद नहीं था। उसे अपने ग्लास में चॉकलेट वाला दूध इतनी सारी चॉकलेट डालकर पसंद था कि चम्मच लॉलीपॉप की तरह उल्टा खड़ा हो जाए। चॉकलेट से वो खुश होता था और दूध से उसकी माँ। माँ को खुश रखना बहुत ही जरूरी था, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल। उसकी माँ कहती थी कि अपने नाना जी की तरह ही उसे भी मिठाई पसंद है। उसे अपने नाना जी दूसरों से ज्यादा अच्छे लगते थे, असल में कुछ ज्यादा ही अच्छे। नाना जी बेहद जोशीले थे। उनके जोशीले स्वभाव की वजह से गोपी हमेशा उनसे मिलने को बेताब रहता था, ताकि उनके साथ कुछ नया करने को मिले। नाना जी के पास बड़े बढ़िया बढ़िया तरीके होते थे, नई नई रंगीन कहानियां जो गोपी को एक नई दुनिया में ले जाती थीं। ऐसे रोमांचक किस्से कि कभी कभी तो गोपी उनकी दुनिया में ही खो जाता था। गोपी को बस उनकी एक ही बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत सुबह उठ जाते थे। नाना जी कहते थे कि सूरज में ऊर्जा होती है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए वो सूरज निकलते ही उठते थे ताकि उसकी ऊर्जा को अपने अंदर भर सके। उसके बाद बेहद कोशिश करने पर भी गोपी सो नहीं पाता था। आज उसके नाना जी क्या करेंगे और हम दोनों किससे मिलेंगे? उस लकड़ी के बक्से में क्या था? आज वो अपनी जादूगर वाली टोपी पहनेगा। वो इतनी जल्दी तैयार हुआ कि अगर वो बैठता नहीं तो उसे चक्कर आ जाता। वो भागकर खाने की मेज पर गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। माँ को आश्चर्य हुआ, नाना जी को हंसी आ गई। हालांकि वो दिखाई नहीं दी क्योंकि वो उनकी मूंछों में छुप गई, पर उनकी आंखों की चमक से लगता था कि कुछ तो मजेदार बात हुई है। गोपी की नजर बार बार मेज पर रखे लकड़ी के बक्से पर जा रही थी, जो नाना जी की प्लेट के पास रखा था। वो चौकोर था और मजबूत था, उसमें झांकने को वो बेताब था। अगर वो अपना नाश्ता जल्दी खा ले तो शायद पता लगे कि बक्से के अंदर क्या है। उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म किया और अपने नाना जी के पीछे बाहर चल पड़ा। कहाँ जा रहे हैं नाना जी? क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर चलो, मैं एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए निकला हूँ। गोपी अपने नाना जी से उस लकड़ी के बक्से के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था, और ये भी कि उसके अंदर क्या है। नाना जी इतने लंबे थे कि उनके साथ चलने के लिए गोपी को भागना पड़ रहा था। उसके मन में चल रही बातों से वो इतना खुश था कि चलने के बजाय वो उनके पीछे दौड़ रहा था। नाना जी आपके उस बक्से में क्या है बताइए ना। इस बक्से में वो चीजें हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं और हमें उन सारे सवालों के जवाब देती हैं जिनसे इस दुनिया के जंगल में रहते हुए हमें जूझना पड़ता है। गोपी ने बहुत सोचा, पर उसे लगा उसका दिमाग ठस हो गया है और उसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता, ना ही निकल सकता है। ये जवाब कैसे होते होंगे और वो कौन से सवालों के जवाब होंगे? क्या ये दुनिया सचमुच एक जंगल है? और फिर इस जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ हैं? मैंने सोचने की बहुत कोशिश की नाना जी, पर लगता है अब मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता। तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और जरा जोर देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना। मैं उसका इस्तेमाल कहाँ करूँगा? क्या वो भी इस लकड़ी के बक्से में है? इसका इस्तेमाल तुम्हें हमेशा करना होगा, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाए। फिर तो मैं इससे भी बड़ा बक्सा लूंगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत सारा चाहिए। तुम्हें हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी, खास तौर से जब सबसे कम उम्मीद हो, जैसे बंदर और मगरमच्छ की इस कहानी में हुआ था। बंदर और मगरमच्छ। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में से निकला
और जामुन के पेड़ के नीचे लेट गया। वहाँ एक बंदर था जो उस जामुन के पेड़ पर रहता था। तुम कौन हो? मैं एक मगरमच्छ हूँ और मैं खाने की खोज में बहुत दूर से आया हूँ। ये लो खाओ। मगरमच्छ को जामुन बहुत अच्छे लगे। बंदर ने उसे वचन दिया कि जब भी मगरमच्छ वहाँ आएगा वो उसे जामुन खिलाएगा। आर लो खाओ। इतने दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आर लो। बंदर ने उसे थोड़े जामुन उसकी पत्नी के लिए भी दिए। बंदर और मगरमच्छ बड़े अच्छे मित्र बन गए। मुझे ये जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। तब मैं तुम्हारे लिए थोड़े और लाऊंगा। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी ईर्ष्यालु थी। एक दिन उसने मगरमच्छ से कहा कि उन्होंने हमेशा बंदरों को मारकर खाया है, तो मगरमच्छ ने इस बंदर से मित्रता क्यों की? मगरमच्छ ने कहा कि वो तो हम दोनों का ही बड़ा अच्छा मित्र है। मगरमच्छ की पत्नी बंदर को खाना चाहती थी। मेरे मित्र, तुम रोज मुझे जामुन खिलाते हो, मेरी पत्नी भी ये जामुन खाकर बहुत खुश होती है। उसने बंदर को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना बनाई। तुम अपने दोस्त को घर क्यों नहीं बुलाते? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता। वो और लालची होती गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बंदर को खाने की उसकी इच्छा बढ़ती ही गई। उसने अपनी योजना को अमल में लाने का निश्चय किया। मैं बीमार हूँ और वैद्य ने कहा है कि मैं तभी ठीक हो सकती हूँ जब मुझे बंदर का दिल खाने को मिले। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वही तो एक मेरा मित्र है, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि जब वो अपने मित्र बंदर से मिलकर लौटेगा तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। उसे पत्नी के लिए बंदर का दिल लाना ही होगा। तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी का जीवन बचाने का निश्चय किया। जब वो उस दिन अपने मित्र से मिलने गया, उसने बंदर को अपने घर पर आमंत्रित किया। पर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तुम तो पानी में रहते हो, अगर मैं डूब गया तो? हम नदी के किनारे रहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ठीक है। उसने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करने लगा। जैसे जैसे नदी गहरी होती गई, बंदर को डर लगने लगा। मुझे आगे मत ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं तो तुम्हें मारना ही चाहता हूँ और तुम्हारा दिल अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ। बंदर तेजी से सोचने लगा, क्योंकि उसे खुद को बचाना था। उसे अपनी चालाकी से मगरमच्छ से छुटकारा पाना था। मैंने अपना दिल जामुन के पेड़ के छेद में रखा है। ऐसी बात है, तो चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। मगरमच्छ वापस जामुन के पेड़ की तरफ गया। चालाक बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूदा और जामुन के पेड़ पर ऊंचा जाकर बैठ गया। तुम अपनी पत्नी के पास वापस जाओ और उससे कहो कि उसका पति इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। मगरमच्छ ने अपना एक अच्छा मित्र खो दिया था। ओह, वो बंदर तो वाकई बड़ा ही समझदार और चालाक भी था नाना जी। हाँ, समझदारी दिखाने के बहुत से तरीके हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल करने के भी। जानवर भी समझदारी दिखाते हैं। तो गोपी, मुझे बताओ, दूसरों को अपनी बुद्धि से हराने के लिए तुम और क्या करोगे? बुद्धिमान बनने के लिए क्या मुझको ज्यादा दूध पीना चाहिए और सारी सब्जियाँ खानी चाहिए जैसा माँ कहती है, ताकि मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊँ और आपके जितना समझदार बनूँ? चालाकी के लिए बड़े शरीर की जरूरत नहीं होती। अब शेर और खरगोश की इस कहानी को ही ले लो। शेर और खरगोश। एक घर
घने जंगल में एक बड़ा और भूखा शेर रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि प्रतिदिन वो कई जानवरों को मारकर खा जाता था। शेर सभी जानवरों को जल्दी मार ना डाले इसलिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना था। आपस में तय करने के बाद वो शेर के पास पहुंचे। हम सब यहाँ आपसे अपनी बात कहने आए हैं। हम आपकी प्रजा हैं और राजा को प्रजा की आवश्यकता है। अगर आप सबको खा जाएंगे तो फिर कोई भी प्रजा नहीं बचेगी। हम रोज एक जानवर आपके पास आपकी गुफा में भेज देंगे। इस तरह बिना शिकार किए आपको भोजन मिल जाएगा। शेर बात मान गया। उसने कहा कि अगर भोजन नहीं भेजा तो वो सबको मार डालेगा। और फिर उस दिन से रोज एक जानवर शेर की गुफा में भेजा जाने लगा। ये योजना काम कर गई। एक छोटा चालाक खरगोश जब शेर के पास भेजा गया तो उसने खुद की और दूसरे जानवरों की जान बचाने की सोची। उसने एक उपाय सोचा और शेर के पास पहुंच गया। उसे देखकर शेर क्रोधित हो उठा। मेरी खुराक के लिए तुम छोटे हो, बेईमानी करने के लिए मैं सबको सबक सिखाऊंगा। मैं सबको मार डालूंगा। महाराज कृपया हमें दोष न दे, आपके लिए 6 खरगोश आए थे लेकिन एक दूसरे शेर ने 5 खरगोश खा लिए। दूसरा शेर कौन है? वो कहाँ रहता है? वो बहुत बड़ा है और वो मुझे भी खाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे खाओगे तो आप उसे खा जाएंगे। उसने शेर को बताया कि दूसरे शेर को गुस्सा आया और उसने कहा कि वही इस जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर है और केवल वही इस जंगल का राजा है। उसने डींग मारी कि वो आपको दिखा देगा कि असली राजा कौन है। ये सुनकर शेर आग बबूला हो उठा। उसकी दहाड़ से जंगल कांपने लगा। मुझे उस मूर्ख तक ले चलो, जब तक उसे मार ना डालूं मुझे चैन नहीं पड़ेगा। जी महाराज, आप उस शेर को दिखा दीजिए असली राजा कौन है। वो उस शेर को जंगल में ले गया। वो उसे एक गहरे कुएं पर ले गया और नीचे इशारा करके बोला कि दूसरा शेर वहाँ नीचे रहता है। शेर ने कुएं में झांका और कुएं में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि वहाँ दूसरा शेर है। शेर को बेहद गुस्सा आया और दूसरे शेर पर आक्रमण करने के विचार से वो कुएं में कूद पड़ा। एक छपाके के साथ वो पानी में गिरा और डूब गया। छोटा चालाक खरगोश खुश होकर वहां से लौट पड़ा। वापस आकर उसने सभी जानवरों को वो किस्सा सुनाया। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए कि उनका सबसे बड़ा शत्रु मारा गया। तुम तो बहुत चतुर निकले मेरे नन्हे दोस्त। और तुमने सारे जानवरों को हिम्मत दिलाई। मुझे ये कहानी अच्छी लगी। चलिए अलाव जलाएं। क्या हम अलाव जला सकते हैं नाना जी, प्लीज? हाँ जरूर, पर वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें मुझको मेरा जवाब देना होगा और अब तुम्हारी चालाकी काम आएगी। हाँ पर वो पेड़ तो देखिए नाना जी कितना नजदीक है और उस पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ तो जमीन को छू रही हैं। हाँ वो एक बरगद का पेड़ है और इससे पहले कि तुम वहाँ पहुँचो तुम्हें अपना अंदाजा लगा लेना होगा। क्या मुझे 5 मौके मिलेंगे या फिर 10? नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए 8 मौके ही काफी रहेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए गोपी। लालच से इंसान नीचे ही गिरता है। तो अब मैं तुम्हें सारस और केकड़े की कहानी सुनाता हूँ। सारस और केकड़ा। एक समय की बात है, एक सारस मछलियों से भरे तालाब के पास रहता था। वो तालाब की मछलियां खाता था और खुश रहता था।
समय बीतने के साथ सारस बूढ़ा और दुर्बल होता गया और अपने खाने के लिए मछलियां पकड़ना उसके लिए मुश्किल होने लगा। उसे भय लगा कि भूख के कारण वो जल्दी ही मर जाएगा। तब उसे एक उपाय सूझा। वो उदास होकर तालाब के किनारे खड़ा हो गया और पास में तैरती हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ा। मछलियां, मेंढक और केकड़े सभी ने ये महसूस किया कि ये कितना उदास है। आप इतने उदास क्यों हैं चाचा जी? हाँ, हमेशा की तरह मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? मेरे पास एक बुरी खबर है। कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भरकर इसमें पौधे उगाने जा रहे हैं। फिर इस तालाब में एक भी मछली नहीं बचेगी। तुम हमारे दोस्त हो, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। हमें दूसरे तालाब में ले चलो। मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मुझे कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बीच बीच में आराम भी चाहिए होगा। आश्वासन पाकर मछलियाँ राजी हो गईं। सारस ने चक्कर लगाने शुरू किए। उसने पहले थोड़ी मछलियाँ उठाई और उन्हें दूसरे तालाब में ले जाने के बजाय वो उन्हें चट्टान पर ले गया। उसने उन्हें खाया। उनकी हड्डियाँ चट्टान पर ही छोड़कर उसने थोड़ी देर आराम किया। जब उसे फिर भूख लगी तो वो वापस तालाब पर गया और थोड़ी और मछलियाँ लाकर उन्हें खाने लगा। जब भी उसे भूख लगती वो तालाब पर चला जाता। अब तालाब में बची हुई मछलियों के साथ एक बड़ा केकड़ा भी बचा था। उसने भी सारस से मदद मांगी। चाचा जी, मुझे भी मरने से बचा लीजिए। स्वाद बदलने के लिए मुझे केकड़ा खाने को मिलेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, आओ चलो, तुम्हें भी बड़े तालाब पर ले चलता हूँ। जैसे ही सारस ने पंख फैलाए और केकड़े को लेकर उड़ा, केकड़े ने नीचे देखा। उसे कोई बड़ा गहरा तालाब नहीं दिखाई पड़ा। उसे कहीं पानी तक नहीं दिखा। चाचा जी, वो बड़ा तालाब कहाँ है जहाँ आप मुझे ले जा रहे हैं? अब मटुए खाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने दूसरी सारी मछलियों को खा लिया है। भयभीत केकड़े ने नीचे देखा और उसे एक चट्टान पर मछलियों की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसने अपने तीखे पंजे से सारस का गला जकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा कि सारस का दम निकल गया। केकड़ा वापस अपने तालाब में गया और दूसरी मछलियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। शुक्रिया प्यारे केकड़े, तुमने उस दुष्ट सारस से हमारी रक्षा की। और उस दिन से वो सभी राजी खुशी रहने लगे। मैं भी एक बहुत बड़ा सारस बनना चाहता हूँ और फिर नाना जी, मैं आपको दूर दूर तक घुमाने ले जाया करूँगा। तब हम दूसरे जंगलों में जाएंगे या फिर शायद हम ऊंची आसमान में उड़ेंगे और तारों से मिलेंगे। और ये तो बड़ा मजेदार रहेगा गोपी। अब क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? अगर तुम किसी को अपनी बुद्धि से हराना चाहते हो तो तुम्हें चालाक होना होगा। मेरे पास कुछ है, अगर ये सही है तो मैं इसे इकट्ठा करके अपने बक्से में रखूंगा और मैं जहाँ भी जाऊँगा उसे अपने साथ रखूँगा। तुम्हारे पास क्या है गोपी? एक कंकड़ है, क्योंकि नदी का पानी चाहे उसे कितना भी धक्का क्यों ना दे, वो कंकड़ मजबूती और बहादुरी के साथ डटा रहता है नाना जी। ये सचमुच एक चतुराई भरा जवाब था गोपी। आहा, तो अब गोपी समझदार और चालाक हो गया। अब देखते हैं तुम्हारे बक्से में और क्या क्या रख सकते हैं। शुक्रिया नाना जी, आप सचमुच सबसे अच्छे हैं। घंटी की आवाज जोर से आई और उससे भी जोर से बच्चों की चिल्लाहट। गोपी अपना पूरा जोर लगाकर भागा। उसके पैर उसे बस तक ले गए और बस उसे घर तक ले गई। उसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा था। माँ ने उसे कुछ देने का वादा जो किया था। बस में घुसने की धक्का मुक्की की तरह ही उसके दिमाग में विचार भी चल रहे थे। गोपी अपने पिछले जन्म दिन से ही एक छोटे से डॉगी की फरमाइश कर रहा था।
क्या उसकी माँ उसे पास पड़ोस का सबसे खुश बच्चा बनाएगी, देश का, सारी दुनिया का, या फिर पूरे ब्रह्मांड का? क्या तुम्हें एक नया दोस्त चाहिए गोपी? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए नाना जी। ठीक है, तो फिर गोपी तुम्हें अपने दोस्त की अच्छी देखभाल करनी होगी और साथ में अपनी देखभाल भी करनी होगी। क्या सभी जानवर अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं? और क्या एक डॉगी या उसका बच्चा अपनी देखभाल कर सकता है नाना जी? बिल्कुल कर सकते हैं गोपी, सभी जानवर अपनी देखभाल कर सकते हैं, कुछ तो दूसरों से ज्यादा बेहतर, जैसे कि तीन मछलियों वाली इस कहानी में। तीन मछलियाँ। एक बार एक झील में तीन बड़ी मछलियाँ रहती थीं। वो एक दूसरे से एकदम अलग थीं, पर आपस में गहरी दोस्त थीं। उनमें से एक बहुत बुद्धिमान थी और कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोचती थी। दूसरी मछली समझदार, चालाक और हमेशा खुश रहने वाली। तीसरी मछली भाग्य को मानती थी। उसे विश्वास था कि भविष्य कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होगा ही। एक दिन पहली मछली ने अपनी दोस्तों से कहा कि पानी में खेलते समय उसने कुछ मछुआरों को बात करते हुए सुना है। वो कितनी बड़ी और सुंदर मछली है। आज ये मछुआरे फिर से आ गए। हाँ, लगता है ये झील बड़ी मछलियों से भरी हुई है, कल यहाँ मछली पकड़ने आएंगे। तीनों मछलियाँ जान गईं कि उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी खत्म हुई। उन्हें फैसला करना था। पहली मछली मछुआरों के आने से पहले ही झील छोड़ देना चाहती थी। हमें उस नहर के रास्ते दूसरी झील में चलना चाहिए। मुझे तो इसका विश्वास नहीं होता, अपने बचाव का दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। मैं यहाँ पैदा हुई और हमेशा से यही रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब जो होना है वो तो होगा ही। पहली बुद्धिमान मछली ने झील छोड़ दी। तो जब अगले दिन मछुआरे आए, उन्होंने दूसरी मछलियों के साथ बाकी दोनों मछलियों को भी पकड़ लिया। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं मरने का नाटक करूंगी तो वो मुझे वापस फेंक देंगे। मछुआरों ने मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी फेंक दिया। वो किसी तरह उछलती हुई झील तक पहुंची और पानी में कूद गई। यही मेरा भाग्य है, मैं और अब क्या कर सकती हूँ। तीसरी मछली जाल के अंदर मचलती रही। एक मछुआरे ने उसे जोर से डंडा मारा और वह मर गई। अपने शिकार को ले मछुआरा वहां से चला गया। जबकि दूसरी मछली अफसोस से देखती रही कि काश उसकी दोस्त थोड़ी समझदार होती। ये लो और ये भी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहादुर हूँ, बहुत बहादुर। गोपी अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हें इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। मैं अपनी रक्षा खुद कर रहा हूँ नाना जी, मेरे दुश्मन मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। गोपी गोपी मेरा प्यारा बादूनी गोपी, गोपी गोपी प्यारा बादूनी गोपी, गोपी गोपी प्यारा बादूनी गोपी। गाना गाओ गोपी, पर दूसरों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना वही हाल होगा जैसा इस कहानी में गाने वाले गधे का हुआ था। गवैया गधा। एक गोपी के पास एक गधा था। गधा बूढ़ा और दुर्बल था। दिन के समय गधे को कपड़ों का भारी बोझ उठाना पड़ता था, पर रात के समय वो जहाँ चाहे जाने के लिए आजाद था। एक रात गधा एक गीदड़ से मिला और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ भोजन की तलाश में निकले। उन्हें पके हुए खीरों से भरा एक खेत मिला और उन्होंने भर पेट खीरे खाए। हर रात वे यही करते और जल्दी ही गधा मोटा तगड़ा हो गया। एक रात भोजन के बाद गधा कुछ अधिक ही खुश हो गया। कितनी सुंदर रात है, पूनम का चांद भी साथ है, मेरा गाने का मन कर रहा है। ठीक है ठीक है, तुम्हें खुशी हो रही है, पर इतनी रात को गाना अच्छी बात नहीं। ओ, हो, 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 हो,
हम चोर हैं और अगर किसान ने सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे अब शांत हो जाओ। गाना है, मुझे गाना गाना ही है। तुम्हें गाना नहीं चाहिए क्योंकि तुम बड़े बेसुरे हो। तुम मेरी प्यारी आवाज से जलते हो। चुप हो जाओ, किसान सुन लेगा, फिर जो होगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। गधे ने बात नहीं मानी और गाने लगा। धीरे धीरे उसका रेंकना बढ़ता गया। गीदड़ ने उससे मिन्नतें की पर गधे ने नया गाना शुरू कर दिया। गधे को अंतिम बार सावधान करके गीदड़ वहां से भाग गया। गधे का रेंकना और भी तेज होता गया। कैसी आवाज है हा? कोई गधा चिल्ला रहा है। ये गधा रात में क्यों चिल्ला रहा है? चलो उसकी अच्छी तरह पिटाई करते हैं। और गाओ, और उन्होंने गधे को पकड़कर उसकी जमकर मरम्मत करने के बाद उसके गले में एक भारी पत्थर लटका दिया। किसी तरह गधा वहां से भागा, घिसटता हुआ खेत से निकला और अपने दोस्त गीदड़ से बाहर मिला जो वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानकर गलती कर दी। गीदड़ ने बेचारे गधे के गले से पत्थर निकालने में उसकी मदद की। फिर एक साथ उस खेत से जितनी दूर उनकी टांगे ले जा सकती थीं, वो दोनों भाग गए। गोपी और उसके नाना जी जल्दी ही उस दुकान में पहुंच गए जहां नाना जी जाना चाहते थे। अंदर कोई है? कोई है? सुनिए, कोई है? कोई है? कोई है? फिर दूसरी बार आवाज आई। कोई है? फिर तीसरी बार सुनाई दी। कोई है? गोपी ने इधर उधर देखा पर कमरे में किसी को भी ना पाकर उसे आश्चर्य हुआ। नाना जी हंसे और एक पिंजड़े के पास पहुँचे। उसमें एक तोता था। कोई है? कोई है? अचानक गोपी ने एक दूसरी आवाज सुनी। नाना जी ने झुककर एक छोटे से भूरे रंग के डॉगी को उठा लिया। गोपी की आंखें चमकने लगी। नाना जी ने मेज पर से एक डिब्बा उठाया और मुस्कुराते हुए गोपी को दे दिया। गोपी बेहद खुश था, उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने डिब्बे को खोलकर देखा उसमें से एक लाल पट्टा बाहर निकला। नाना जी ने गोपी से कहा कि वो डॉगी के गले का पट्टा है जो उसके गले में पहनाना है। इस तरह सब जान जाएंगे कि ये डॉगी गोपी का है। गोपी ने खुशी से चिल्लाकर नाना जी को जकड़ लिया। डॉगी ने भी छोटी सी आवाज निकाली और पीछे पीछे चल पड़ा। गोपी और नाना जी जोर से हंस पड़े। जब नाना जी ने अंदर जाकर दुकानदार से बात कर ली तो फिर वो सब बाहर निकल आए। डॉगी पीछे पीछे आ रहा था। नाना जी ने सचमुच उसे दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा बना दिया था। ऐसा नाना जी ही कर सकते थे। पता है नाना जी, मैं इस दुनिया का सबसे खुश बच्चा हूँ। मेरी क्लास के सभी लड़कों को मुझसे जलन होगी। किसी के पास डॉगी नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या मैं राम के घर जाकर अपना डॉगी दिखाऊं? वो पास में ही रहता है। हाँ हाँ, उसे जरूर दिखाओ गोपी। हेलो गोपी, तुम कैसे हो? हे राम, देखो मेरे पास क्या है, मेरा अपना प्यारा डॉगी। वाह, दिखाओ तो। मुझे भी दो, मुझे इसे पकड़ने दो। ये कितना प्यारा डॉगी है। नहीं राम, रुको, इसे मत छुओ, ये मेरा डॉगी है। प्लीज गोपी, दो ना। नहीं 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 गोपी, राम को डॉगी दे दो। नहीं नाना जी, इसे चोट लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तुम कितने बदल गए हो गोपी, तुम चीजें बांटना नहीं चाहते। गोपी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो तुम्हारे लिए खुश था और तुमने उसे उदास कर दिया। अच्छे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। अब तुम्हारे पास एक डॉगी है तो तुम बदल गए हो।
मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सब कुछ बांटना चाहिए। तुम इतनी जल्दी रंग नहीं बदल सकते। रंग बदलना, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें नीले सियार की कहानी सुनाता हूँ। नीले सियार होते हैं क्या? अब तुम ही तय करो। नीला सियार। एक दिन एक सियार जंगल के बीच में बनी जुलाहे की झोपड़ी पर पहुंचा। उसे एक बड़ा हौज दिखाई दिया। वो बहुत भूखा था। उसे लगा कि वहां शायद कुछ खाना पड़ा हो। पर अफसोस, वहां तो खाने को कुछ भी नहीं था, बस अजीब सा रंगीन पानी था। वो कपड़ों का रंग था जिसका उपयोग जुलाहा करता था, पर सियार को ये मालूम नहीं था। उसने हौज में झांकने का निश्चय किया और फिसल कर उसी में गिर पड़ा। अपने आप को नीला रंगा हुआ देखकर सियार को बहुत शर्म आई। सियार ने दुखी होकर अपनी परछाई को देखा। ये क्या, जंगल के सारे जानवर मुझ पर हंसेंगे। फिर उसे एक उपाय सूझा। लेकिन अगर मैं दिखावा करूं कि ये रंग तो सिर्फ महान नेता का ही हो सकता है, तो वो सब मुझसे डरेंगे और राजा की तरह मेरा सम्मान करेंगे। सियार ने गर्व से जंगल में प्रवेश किया और दूसरे जानवरों से कहा कि देवराज इंद्र ने स्वयं उसे जानवरों का नेता चुना है। मैं अब इस जंगल का महाराजा हूँ। उसका नीला रंग इसी का प्रतीक है। सियार अपनी नई स्थिति का आनंद उठाने लगा। वो सचमुच बहुत प्रसन्न था। हालांकि सियार को पता था कि वो गलत काम कर रहा है। उसने दूसरे जानवरों पर ये प्रकट नहीं किया। वो बहुत घमंडी हो गया। भालू, बाघ और शेर, अब मैं तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। वो सबको बेवकूफ बना रहा है। कह रहे हो तुम? हम बेवकूफ नहीं है। हम बेवकूफ नहीं है। वो अपने आप को समझता क्या है? आखिर वो भी तो हमारे जैसा है। चलो हम उसे ढोंग करने का सबक सिखाते हैं। तुम सब मिलकर अब मेरे भोजन की व्यवस्था करोगे। मंत्रणा के दौरान उसने दूर से आती एक सियार की आवाज सुनी। उसे बहुत ही आनंद आया और बिना सोचे वो भी हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। भालू, चीता, शेर और वहां उपस्थित सभी जानवर समझ गए कि ये और कोई नहीं साधारण सियार है जो उन्हें मूर्ख बना रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सियार को घेर कर उसका काम तमाम कर दिया। क्योंकि सियार ने उनसे झूठ बोला। हाँ, झूठ बोलना गलत है। और वो सियार इसलिए मरा क्योंकि उसने जंगल के जानवरों से गलत बर्ताव किया, सिर्फ इसलिए कि उसका रंग नीला हो गया था। वो खुद को सबसे ऊंचा समझ रहा था। ये ऐसा ही था जैसे तुम राम से सख्ती से बोल रहे थे क्योंकि अब तुम्हारे पास डॉगी है। सॉरी नाना जी, मैं इसे राम को दूंगा, जैसे मैं अपनी साइकिल देता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? राम को अपने डॉगी के साथ खिलाने। देखिए नाना जी, इस वृक्ष पर कितनी सुंदर बुलबुल बैठी है। तुम्हें पता है ये कौन सा पेड़ है? नहीं, उस चिड़िया को देखिए नाना जी। ये सुंदर पेड़ गुलमोहर का है, जिसे इंग्लिश में फ्लेम ऑफ जंगल भी कहते हैं। वो, अरे नहीं, वो तो उड़ गई। मैं चाहता था कि आप उसे देखें नाना जी। उस पक्षी को ऐसा लगा कि तुम उस पर हमला करोगे। मैं क्यों ऐसा करूंगा? मुझे उसे डराना नहीं था, मैं तो सिर्फ उसके पास जाना चाहता था। मैं ये जानता हूँ गोपी, पर उस चिड़िया ने तो एक इंसान को आते देखा और वो खुद को बचाने के लिए उस जगह से उड़ गई।
उसके अंतर्ज्ञान ने बताया कि अब यहाँ खतरा है, इसीलिए उड़ना बेहतर है। ये सब बातें प्राणी खुद सीख जाते हैं। वो खतरे को पहचान लेते हैं और भाग जाते हैं। एक तरह से हाँ, उन्हें शायद अपनी क्रियाओं का परिणाम मालूम हो जाता है। कहना चाहिए कि ये ऐसी बात है जो ज्यादातर मनुष्यों को भी सीखनी चाहिए। ऐसा क्यों? तुमने कई बार देखा होगा कि लोग कुछ काम बिना सोचे समझे कर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे श्याम ने उस फुटबॉल मैच में गोल किया और बाद में देखा कि अपने ही गोल में बॉल मार दी है। कितनी बेवकूफी की बात थी ना। ये तो सबसे अच्छा उदाहरण है जिसे मैं भी नहीं सोच पाता। नाना जी क्या हम नाव में बैठे? ठहरो गोपी, रुक जाओ। ये कितनी बढ़िया नाव है, मैं पैदल भी चलाऊंगा। तुम्हें जल्दबाजी किस बात की है गोपी? और बिना मुझसे कहे तुम जैसे भागे, ये क्या अच्छी बात थी? नाव में बैठते समय तुम्हें चोट लग सकती थी। अरे ये मेरे हाथ से फिसल गया, ये बहुत बड़ा है। तुम ये क्या कर रहे हो गोपी? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम बिना सोचे समझे काम क्यों कर रहे हो? वो सॉरी नाना जी, दरअसल मैं अपनी क्लास में नाव चलाने वाला पहला लड़का बनना चाहता हूँ। तुमने सोचा भी नहीं कि क्या गड़बड़ी हो सकती थी, तुम नाव से गिर सकते थे और जब तुम पतवार निकाल रहे थे तुम डूब भी सकते थे। तुमने अभी तैराकी सीखना शुरू ही किया है, तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो। मुझे तुमसे बड़ी निराशा हुई गोपी। सॉरी नाना जी, मैंने सोचा नहीं। मैं जानता हूँ, कभी कभी कुछ करने से पहले सोचना काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ इस कहानी की तरह जिसमें एक मूर्ख सारस और एक नेवला थे। मूर्ख सारस। एक बार एक घने जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ पर सारस का परिवार रहता था, माँ और उसके बच्चे। माँ को हर रोज उड़कर बाहर जाना पड़ता था और बच्चों के लिए खाना लाना होता था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल में एक दुष्ट सांप रहता था जो हमेशा भोजन ढूंढता रहता था। जब उसने सारस के बच्चों को अकेला देखा, वो जान गया कि वो सब उड़ नहीं सकते, तो वो उन्हें खा गया। जब माँ सारस लौट कर आई तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी हुई। कुछ महीने बाद उसने फिर कुछ बच्चों को जन्म दिया। उस दुष्ट सांप ने फिर सभी बच्चे खा लिए। माँ सारस इससे बहुत दुखी और नाराज हुई और पड़ोस में रहने वाले केकड़े से मिलने गई। प्यारे केकड़े, मैं तुम्हारे पास बड़ी मुसीबत में आई हूँ। मेरा घर संसार उजड़ गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जो मेरे बच्चों को घोंसले में अकेला पाकर हड़प कर जाता है। वो मेरे बहुत सारे बच्चे खा गया है। खैर, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आखिर सांप को भी भोजन चाहिए। ओ केकड़े, कृपया मेरी मदद करो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। तुम चुपचाप अपने बच्चों को मारे जाते कैसे देख सकती हो? मेरी मदद करो, मेरा और कोई नहीं है। मैं उसकी मदद क्यों करूं? सारस भी तो केकड़ों को खाते हैं। मुझे एक उपाय सूझा है, पास ही में एक नेवला रहता है। अगर तुम मांस के टुकड़ों की एक लकीर सांप के बिल तक बना दोगी तो नेवला वहाँ जाकर सांप को मार डालेगा, फिर तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, है ना? है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। तो माँ सारस ढेर सारा मांस ले आई और टुकड़े नेवले के बिल के सामने गिराने लगी। इस तरह उसने सांप के बिल तक रास्ता बना दिया।
सांप असावधान था। नेवले ने उसे थोड़ी ही देर में मार गिराया। अब नेवले को सारस के घोंसले का ध्यान आया। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ा और बेचारी सारस के बच्चों को भी खा गया। माँ सारस ने फिर अपने बच्चे खो दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये नहीं सोच सकी कि नेवले सारसों को भी खा जाते हैं। तो अगर सारस माँ ने नतीजे के बारे में पहले से सोचा होता तो उसने किसी और उपाय के बारे में सोचा होता और उसके बच्चे जिंदा होते। मैं वादा करता हूँ नाना जी, मैं आगे से सोचे बिना कोई भी काम नहीं करूँगा। ये काम आसान नहीं है गोपी, पर ये सबसे समझदारी का काम जरूर होगा। गोपी, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? गोपी, सुन रहे हो क्या? वाह! मैंने पूछा क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की? ठहरो माँ, मैं जीतने ही वाला हूँ। वाह, 6 रन! वाह! तुम्हें मेरा कहा एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। तुम यहाँ 1 घंटे से बैठे हुए हो, तुमने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की। कब करोगे तुम पढ़ाई? तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। लेकिन परीक्षा में तो अभी 2 महीने बाकी है माँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी रोज की पढ़ाई पूरी ना करो। अगर तुम नियम से रहो और नियम से पढ़ो तो तुम अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार रहोगे। मैं दिसंबर तक तैयारी कर लूँगा। आज माँ से तकरार चल रही है गोपी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। वो क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा था। एक कहानी सुनाता हूँ। सच में नाना जी? पिताजी, पहले उसे पढ़ाई पूरी करने दें। कहानी होमवर्क और पढ़ाई के बारे में ही है। बोलने वाली गुफा। एक बार एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर एक चालाक गीदड़ रहता था। हर सुबह गीदड़ अपनी गुफा से बाहर आता था। कल का दिन बुरा था, उम्मीद है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, यहाँ रहने वाले जानवर का इंतजार करता हूँ। ये क्या है? ये तो पैरों की निशान है। मैं सावधान रहूंगा, गुफा में कोई घात लगाए हुए है। निशान तो ताजी है और एक ही तरफ जा रहे हैं, मेरी गुफा की ओर, और वापस नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरी गुफा में एक शेर है। क्या अभी भी वो वही है या फिर चला गया होगा? कैसे पता करूं? एक उपाय सोचा है। मैं गुफा से बात करने का बहाना करूंगा। सुनो गुफा, आज शाम तुम कैसी हो? तो वो आ गया, पर मुझे चुप रहना होगा। अगर मैं बाहर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो वो भाग जाएगा। मैं उसे यही पकड़ूंगा। उसे आने दो, मैं उसे दबोच लूंगा। कितनी भूख लगी है। सुन रही हो गुफा, कैसी हो तुम? तुम्हें याद नहीं कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें जवाब देना होगा, ताकि मुझे पता चले कि तुम अकेली हो। तुम्हें तो याद होगा है ना? अगर तुम चुप रहोगी तो मुझे लगेगा कोई अंदर है, फिर मैं अंदर नहीं आऊंगा।
ये गुफा बात करती है। अगर मैं चुप रहूंगा तो वो समझेगा कि कुछ गड़बड़ है और वो भाग जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जवाब दूंगा। आओ गीदड़, तुम्हारा स्वागत है। दिन कैसा रहा? शेर अभी भी गुफा में है, मुझे फौरन भाग जाना चाहिए। अरे नहीं, गीदड़ ने बुद्धू बना दिया। अब मुझे अपना खाना खुद तलाशना होगा। हाँ। चालाक गीदड़ को खतरे का पूर्व ज्ञान हो गया था तो उसकी जान बच गई। पूर्व ज्ञान क्या नाना जी? पूर्व ज्ञान मतलब कुछ घटने से पहले उसे भांप लेना। जैसे गीदड़ को लगा कि कोई गुफा के अंदर है, जब उसने पंजों के निशान देखे तब वो सावधान हो गई और उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। क्योंकि वो तैयार थी, उसे कोई झटका नहीं लगा। तो क्या उस चालाक गीदड़ की तरह तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? मेरा होमवर्क पूरा करने से मुझे किस तरह से पूर्व तैयारी करनी होगी? होमवर्क पूरा करने से जो भी आज तुमने सीखा है उसका फिर से अभ्यास हो जाएगा। पिछले महीनों में सिखाए गए अभ्यास के आकलन के लिए ही स्कूल में परीक्षाएं होती हैं। तो अगर तुम रोज अपना होमवर्क पूरा करोगे, तुम अपने आप ही साल के अंत में परीक्षा के लिए तैयार रहोगे। कितना आसान है ना? तो अब तुम होमवर्क करो। वीडियो गेम के लिए तुम्हारे पास काफी समय बचेगा। मेरी टीचर कहानियाँ पढ़ने के लिए कह रही थी, लेकिन ये तो समय की बर्बादी है ना नाना जी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मोटी किताब पढ़ने की सोचो, मैं तो फिल्म ही देखना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहती हैं वो, किताबें पढ़ने से बड़ा फायदा होता है। कहानी की किताब, उसका क्या फायदा? मैं टीवी देखना या कॉमिक्स पढ़ना चाहूँगा, बढ़िया टाइम पास है। टाइम पास? अब ये शब्द तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तुम्हें इसका मतलब पता है? आपको नहीं पता? इसका मतलब मजे के लिए कुछ करना, समय बिताने के लिए। किताबें तो सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, हम लड़के नहीं नाना जी। ओह ऐसी बात है, तो तुम्हारे क्लास की लड़कियां ज्यादा होशियार होंगी। क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मोटी किताबें पढ़ती हैं, लड़के हार जाएंगे? सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी टीचर एकदम सही है कि कहानियाँ पढ़ने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। इससे तुम नए नए शब्द सीखोगे और अपनी बात बेहतर तरीके से कह सकोगे, बोलते और लिखते समय भी। साथ ही तुम्हें दूसरों के रहन सहन और बाकी दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। ये सब जानना भी तो काफी मजेदार होगा, है कि नहीं गोपी? हाँ ये बात तो सच है, पर क्या मैं सिर्फ देख नहीं सकता? अरे नहीं गोपी, वो एकदम अलग बात है। किताबें पढ़ने में तुम्हें अपने दिमाग का काफी इस्तेमाल करना होता है। टीवी के साथ ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें किताब देता हूँ जैसे कि तुम पसंद करते हो, और मुझे उम्मीद है तुम्हें काफी मजा आएगा और बहुत कुछ सीखोगे भी। तुम्हारी टीचर वाकई समझदारी की बात कर रही हैं, और उनकी बातों से मुझे बूढ़े समझदार हंस की कहानी याद आ गई। हाँ बूढ़ा समझदार हंस? बिल्कुल। समझदार हंस। एक घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जिसकी फैली हुई शाखाओं पर ढेर सारे पक्षियों ने अपना घर बना रखा था। हंसों का एक झुंड हर साल वहां अपना आशियाना बनाने आता था। एक दिन एक बूढ़े हंस ने एक लता पेड़ पर चढ़ती हुई देखी। सुनो बच्चों, वो बेल बड़ी होगी और उसके सहारे इंसान पेड़ पर चढ़कर हमें पकड़ लेंगे। उस पर ध्यान मत दो, वो हमेशा बुरी बातें ही बोलता है। वो कभी सच नहीं होती। और फिर उन्होंने बूढ़े हंस की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लता चढ़ती गई, बढ़ती गई और मजबूत होती गई। उसने बरगद के तने को चारों ओर से घेर लिया और पेड़ के एकदम बीचों बीच तक पहुंच गई। एक दिन एक शिकारी उधर से गुजरा। आज का दिन तो बहुत बढ़िया है।
और उसने ऊपर देखा, उसे लता दिखी। यह पेड़ तो चिड़ियों से भरा हुआ है, इस पर तो लताएं भी हैं और इनके सहारे मैं उन तक पहुंच सकता हूं। शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया और जब हंस घर लौटे तो वे उसके जाल में फंस गए। वे छटपटाए पर जाल से छूट नहीं पाए। मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें अपनी मूर्खता पर दुख हो रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। हम अभी मरना नहीं चाहते। बूढ़े हंस ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके मन में एक विचार आया। तुम सभी को मैं एक उपाय बताता हूँ। सभी हंसों ने उसकी बात खुशी से मान ली। उसने उन्हें शिकारी के लौटने पर मरने का नाटक करने को कहा। शिकारी ने उन्हें मरा हुआ समझकर सभी हंसों को नीचे फेंक दिया। हम बच गए। तुम्हारे अनुभव और समझदारी की हम सब कद्र करते हैं, शुक्रिया। सभी हंस डूबते हुए सूरज की दिशा में उड़ गए, आजाद होने और जिंदा रहने की खुशी में। तो टीचर और हंस का क्या मुकाबला? उस समझदार बूढ़े हंस की तरह जो भी ज्ञान की बातें करता है वो वैसा ही है, और जवान हंसों की तरह तुम लोग उनकी बातें नहीं सुनते, तब शायद तुम्हारे हाथों से समय निकल जाए। मैं समझ गया, आज से मैं भी पढ़ना शुरू करूँगा। अपने फैसले पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। आओ अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी किताबें दिलवाता हूँ। बीरबल के दरबार में एक और मुकदमा आया। अब